सो फ्रेंड्स, अभी मम्मी और मैं जा रहे हैं पास वाली मार्केट में थोड़ा आइसक्रीम खाने, बिकॉज मम्मी के पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रही है। मतलब एक हफ्ते से मुझे भी था एंड आज से मम्मी की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो अभी मैं मम्मी को ज़बरदस्ती कह रही हूँ कि मम्मी चलो आइसक्रीम लेकर आते। दवा तो ले आए पापा ऑफिस की तरफ से, और अभी हम लोग जा रहे हैं आइसक्रीम खाने कि पेट को थोड़ा सा ठंडक मिले, बिकॉज़ दवा भी बहुत गर्म होती है तो वो और ज़्यादा तकलीफ़ देती है। तो देखते हैं यार, मतलब यार कैसी तबीयत ख़राब हुई है कसम से। मम्मी की भी शक्ल उतर गई, मेरी भी उतर गई, और मैं तो ये महसूस कर रही हूँ यार मेरी आंखों के नीचे ना कभी ऐसे काला नहीं रहता था, दो दिन से वो भी दिख रहा है। मैं तो शौक हूँ कसम से, पता नहीं यार क्या ही हो गया। तो चलते हैं। आप देख सकते हो ये है मेरा एरिया, एंड यहाँ पे ना लोग रात को भी जागते हैं, बहुत रौनक रहती है। अरे डिलीवरी कर रहे हो आप? वो लेके जा रहे हैं। ये जो गाइनीज वाले यहाँ पे जितने भी हैं ना फ्रेंड्स, स्टाफ है इनका, ये सब हमें जानते हैं। तो मैं वही उनसे बात कर रही थी। यहाँ पे मैं डिसाइड करी हूँ कि मैं कौन सी लूँ, एंड मम्मी के लिए शुगर फ्री आइसक्रीम लेना था। एंड यार इनका इंटीरियर बहुत अच्छा है, एंड अभी तो आप देख सकते हो जितने भी गाइनीज के सारे आउटलेट हैं ना वो सब सेम है। तो फ्रेंड्स, ये मम्मी के लिए मैंने शुगर फ्री ली है। पकड़ो। यहाँ पे मैं पैकिंग करवा रही हूँ आइसक्रीम की। तो मैंने एक बेल्जियम चॉकलेट ली थी गाइनीज से, जो मेरी फेवरेट है, एंड मम्मी के लिए शुगर फ्री स्पेशल गाइनीज स्पेशल, एंड शायद कुल्फी भी लिया था एक। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ ना, कि मम्मी के पेट में बहुत ज़ोर से दर्द स्टार्ट हो गई, और दवा तो हम लोग ले आए थे बट स्टिल वो तकलीफ है लाइक पेट में हम लोगों को। तो मुझे तो थी एक हफ्ते से, ठीक है ना। आज मम्मी को भी अचानक हो गई, तो मैंने कहा कि नहीं मम्मी आज जाते हैं और आइसक्रीम लेकर आते हैं और आइसक्रीम खाएंगे तो उससे थोड़ा सा ठंडक रहेगी, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे ऐसे गए, एंड यार मुझे ना अपना एरिया बिल्कुल भी नहीं पसंद है, बिकॉज़ यहाँ पे ना इतने ढेर सारे कुत्ते हैं एंड वो कभी भी हमला कर देते हैं, तो मुझे बिल्कुल अपना एरिया पसंद नहीं है। सो बहुत सन्नाटा है, लाइक बहुत सन्नाटा है। अभी आपने देखा पहले मैं उस साइड रहती थी जहाँ पे मैंने आपको भी मार्केट दिखाई, और मैं आपको बता रही थी ना मुझे अपना एरिया बिल्कुल नहीं पसंद। अभी आपने जब उस साइड वाला मार्केट वाला साइड देखा ना, तो मैं वहीं पर पैदा हुई, वहीं पर बड़ी हूँ, तो वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, बट यहाँ पर मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। सो फ्रेंड्स, मैं खा रही हूँ खिचड़ी अभी, और फिर उसके बाद एक डोज खाऊंगी, एंड मिलते हैं उसके बाद खाकर। अल्हम्दुलिल्लाह। तो फ्रेंड्स, माशाल्लाह मुझे मेहंदी लगाने का ना बहुत ज़्यादा शौक है, तो मैंने एक कूप में देखो अभी बैठी थी, मैंने सोचा लगाई लेती हूँ, इतने दिनों से सोच रही हूँ। ये देखो ऐसे लगाया है, ठीक है एज इट इज। आप बताओ कैसी लग रही है। फ्रेंड्स, ये हमने ले लिया है मिक्सी ना, ये खराब हो गया, तो इसको देते हुए भी जाएंगे ताकि ये ठीक होके वापस मिले। हे फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी आपको जैसे कि पता है कि अभी मम्मी और मेरे पापा की भी पता नहीं क्यों तबीयत अचानक से ना खराब चल रही है, और अभी आज भी ना मम्मी के पेट में बहुत जोर से दर्द उठी थी, लाइक बहुत तेज से। तो
तो अभी शाम हो गई, तो अभी डॉक्टर खुल गए होंगे, तो अभी हम लोग जा रहे हैं, पहले मम्मी के लिए दवा लेंगे और मेरी भी, क्या पता मुझे भी एक डोज एक बार और खानी पड़ जाए दवा, और फिर उसके बाद कुछ काम है, मिक्सी ख़राब हो गई घर के लिए, तो मिक्सी भी ठीक करवाने के लिए देना है ताकि वो टाइम से वापस मिले, और उसके बाद उधर से हम लोग मार्केट जाएंगे। तो आप इस व्लॉग में बने रहिए। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने मिक्सी भी ठीक करवा ली एंड अब मैं जा रही हूँ और मम्मी डॉक्टर के यहाँ। और यहाँ पे मैं टेंशन में बैठी हूँ सच्ची मुच्ची। एंड फ्रेंड्स, मैं अब जा रही हूँ लाजपतनगर मार्केट, विच इज माई फेवरेट शॉपिंग प्लेस, एंड आ जाओ आप भी। फ्रेंड्स, आ गई हूँ मैं लाजपतनगर मार्केट एंड ये मेरी फेवरेट मार्केट है, और आप देख सकते हो सामने राम लड्डू। फ्रेंड्स, ये बहुत फेमस है खाने में, मतलब इनके लड्डू होते हैं बहुत टेस्टी होते हैं। एंड ऑल्सो ये है झकास करके बॉम्बे वाले वड़ा पाव। मतलब ये इतने टेस्टी बनाते हैं, मैं आपको क्या बताऊँ फ्रेंड्स, मैं खुद ही रोज़ खाती हूँ वड़ा पाव, लेकिन आप नोटिस करना ये है फ्रेंड्स राम लड्डू, आप देख सकते हो, देखो सब कुछ यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। मतलब खाने के ना जो पॉइंट्स हैं, बड़े फेमस पॉइंट्स हैं, वो है ये लाजपत नगर के। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे भी ना मतलब 50 रुपीस का आप कुछ भी ले सकते हो। कितने का है? 1.50। अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स, मैंने पहले भी इनसे शॉपिंग कर रखी है और काफ़ी कुछ लेके गई थी मैं पहले भी, और इस बार मैं आपको इस बार वीडियो में दिखा रही हूँ सब कुछ। फ्रेंड्स, आजकल बहुत अच्छी अच्छी कलेक्शंस आ रखी है, सारे न्यू ट्रेंडी कपड़े जो है ना क्लोथिंग में सब आ चुके हैं लाजपतनगर मार्केट में, आप देख सकते हो। एंड हेयर एवरी वन फेवरेट डॉलमांटी मोमोज, आप देख सकते हो ये लाजपतनगर मार्केट में ही है फ्रेंड्स, एंड स्ट्रेट पे ही आपको मिल जाएगा। लाइक आप स्ट्रेट जाओगे ना तो राइट हैंड साइड पे, मतलब कॉर्नर पे है इनकी शॉप, अच्छे मोमोज होते हैं। मुझे इन फ्लावर्स का प्राइस बहुत सही लग रहा था और बिल्कुल रिजनेबल लग रहा था, एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स सारे जो इंस्टाग्राम फ्रेंडी ड्रेस है वो यहाँ पे आ चुकी है। मेरी फेवरेट सूट शॉप जहाँ से मैं सूट अपने लेती हूँ कॉटन के कभी कभी। एंड ये फ्रेंड्स नया खुला था गब्बर करके, वेज एंड नॉन वेज फ्लैल्टीज, बट यार मैं उस दिन खा नहीं पाई, एज आई टोल्ड यू कि मेरा पेट ख़राब था ना, तो मैंने इसलिए उस दिन कुछ भी नहीं खाया था बाहर का। ये 350। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये है सिंड्रेला वाली सैंडल, मुझे बहुत पसंद आई थी और मेरे पैर पे भी बहुत अच्छी लग रही थी। एंड आप देख सकते हो फ्रेंड्स ये है फेमस आइसक्रीम पॉइंट करके है, आप देख सकते हो इनका बोर्ड वगैरह, ये भी जस्ट उधर ही है मतलब, लेकिन ये दूसरी साइड है, और आप देख सकते हो ये बहुत फेमस है, इनके ड्रिंक्स आइसक्रीम वगैरह सब कुछ यहाँ से भी, मैंने जब भी जाती हूँ हर बार कुछ ना कुछ ट्राई करती हूँ।
मुझे ये बीबा का सूट सेट पसंद आ रहा था, बट उसमें कुछ डिफेक्ट था तो मैंने वो नहीं लिया। Another very famous food corner, friends, इनके मुझे कढ़ी चावल बहुत पसंद है, मैं बहुत खाती थी पहले। फ्रेश है ना भैया, कपड़ा सबका एक ही होगा, इसका कपड़ा है। लोग वापस कर जाते होंगे, ठीक है। और कुछ वो आया वहाँ से इसी तरह बन के आते हैं। हाँ, साइज सही है। मैंने शॉपिंग की एंड मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड आपको बताइएगा आपको ये व्लॉग कैसा लगा है, एंड जो भी मैंने खरीदा है फ्रेंड्स या लिया है वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग तक दिखाऊंगी। एंड तब तक के लिए इस व्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।